सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों के बाद आप सब से फिर मिल रही हूँ, और आप लोग आई होप आप लोग बहुत ही ठीक होंगे और मैं भी एकदम मस्त में हूँ। देख ही रहा होगा, मैं तो एकदम मस्त में हूँ। तो आज मैं ड्राइंग की ओर जा रही हूँ। कंटेंट देख के समझ ही गए होंगे, क्योंकि आजकल लोग कंटेंट देख के समझ जाते हैं, हम लोग अपने इंट्रो देना भी नहीं पड़ता है। तो मैं ड्राइंग की ओर जा रही हूँ पिताजी को लेने। बहुत नाक दर्द, खुद भी थोड़ा थोड़ा बीमार हो रहा है, फिर भी पिताजी को लेने जा रहा है। तो आप लोग ऐसे करो कि हम ज़्यादा इंट्रो भी देने मन नहीं हो गया, क्या ना तो देगा इंट्रो में। तो मैंने सोचा हम अभी काउंटर पहुँच गया, लेकिन अभी तो विंगर जो नहीं आ रहा है। तो मैं मैं बदमाश भी कर लेती हूँ कभी कभी। तो काउंटर है यहाँ पे, यार बस काउंटर में पहुँचा है। तो पसीघाट का गाड़ी मिला है, तो पसीघाट होके निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे पसीघाट, होल्ड करेंगे, होल्ड भी नहीं करेंगे पसीघाट में, जैसे गाड़ी एक्सचेंज होगा उसके बाद। यहाँ एयर बस ट्रैवल, ये जो शिलोंग भी जाते हैं, पसीघाट जाते हैं, दपुरी जो जाते हैं, जहाँ तक जाते हैं और अरुणाचल ऐसे घूमते हैं। देख सकते हैं हमें सब नाम लिखा है कहाँ 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 जाते हैं, सिगाड़ा लो दपुरी जो शिलोंग गुवाहाटी भी जाते हैं। मैंने काउंटर को दिखा दिया कहाँ कहाँ जाता है, तो हमको जाना होने से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कांटेक्ट नंबर को भी दिखा दिया है, तो ये जहाँ तक ये कर सकते। अभी 5 बोला था, अभी 6 बजे को निकल रहे, बहुत देर हो गया और पैसेंजर भी नहीं आता, हमसे सोच हो के जा सकते हैं। तो अभी हम विंगर में बैठ गया, तो पसीघाट से हम गाड़ी चेंज करेगा, तो पसीघाट पहुँच के मिलते हैं। रास्ता का व्यू लेने मन से ले लेगा, और कौन सा होटल में स्टे ब्रेकफास्ट कर रहे हो दिखा देगा, इतना दिन हो गया पता नहीं। तो ठीक है, तो बहुत लॉन्ग सफ़र के बाद हम पसीघाट काउंटर पहुँच गया। तो यहाँ से फिर रोइंग के लिए रवाना होंगे, तो वॉशरूम जाए। तो अभी रोइंग की ओर निकलेंगे, तो रोइंग पहुँच के मिलते हैं। ज़्यादा ही गर्म है यहाँ पे, मेरा सहारा काउंटर। तो ठीक है, रेंग में मिलते हैं, तब तक बने रहे। अभी फिर दूसरा गाड़ी भेज गया, बहुत गर्म है यहाँ पे, आज ज़्यादा ही गर्म हो गया। पूरा खा लो, ठीक है, रोइंग में पूछ के मिलते हैं। सो वेलकम टू रोइंग, अभी मैं रोइंग पूछ गई हूँ, गर्म। तो यहाँ से मैं थोड़ा कॉल घुमा लूँगी, इसके बाद मैं जाऊँगी। अयो चक्कर आ गया, दरगाह अनफ्रेश हो गया, तो मैं कॉल घुमा लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश अप कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोग को मैं घुमाती हूँ कहाँ कहाँ जाना है। सो वेलकम 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 रोइंग में आपका बहुत दिल से स्वागत है। Why are you too good to good? Look at me, yeah? I am not handsome guy, okay? Okay, bye bye.
नहा दिया अभी, वो अभी कपड़ा पहन रहा है तो उसका नील कटर कलर काट देगा, नील कटर नील काट नाखून सब काट देगा ना गंदा पंदा करके। बोटम दे चाहे पिमला गोपो चाह पोकेट खा पो पोकेट खम चे म्यूजियम ही इज वेयरिंग कपड़ा तो फाइनली मैंने पापा का सब कुछ नहाना वहाना कर दिया, तो अभी मैं थोड़ा मार्केट रोड के जाके आऊंगी, कुछ काम कुछ सामान भी लेना है पिताजी का, तो लेने जाएंगे। कॉस तो है रे ना, मैं बाथरूम में सारे को पहुंचा था तो मैं रोइंग वैसे निकल गई हूँ। अब मैं जाऊँगी दादी को देखने और चाची लोग को देखने, उसके बाद वहाँ से फिर तो मार्केटिंग मार्केट का जो बताया मैं बन भैया मीट माय दादी नो कैसा घूम से चाची लोग और बैठते बैठते ये मक्स में गंदा है चाचा लोग वहाँ बैठते बैठते तो अंधेरा हो गया, तो हमको ऐसे लग रहा है कि हम रेंगे दिखा पाएगा एंड चौली। अब एक रेस्टोरेंट जाएगा वहाँ से खाएगा फिर नहीं मार्केटिंग करेगा थोड़ा सा, पिताजी को सामान लेना है तो अंधेरा हो ही जाएगा। मेरे शकल देख लो ना क्या रेंग का व्यू देखना है। सो गुड मॉर्निंग ड्रॉइंग वासियो एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो मैं आज निकल रही हूँ फिर यहाँ से ईटानगर की ओर with my father, he is looking so handsome. तो अभी हम लोग काउंटर की ओर जाएंगे, इसके बाद मिलते हैं कहाँ कहाँ पे तो वहाँ ब्लॉग पे मिलेंगे ऐसे अनप शनप बकवास सुनने को। अब मैं ऐसा करना सुंदर भी नहीं है तो पिम्पल्स मैं फेस पर पिम्पल्स से बर्बाद हो गया यार, आई डोंट नो व्हाई यहाँ में टू पिम्पल्स और हियर इज अनदर एंड हियर इज देयर इज फोरहेड में भी निकल गया सब जगह पिम्पल्स ही पिम्पल्स आ से। तो हम सेवन सीरी पे रुके थे तो खाना खा लिया, बाबा अंदर जा पिताजी अंदर जा रहे हैं बहुत गर्म है। तो अभी जाए ईटानगर पहुँच के मिलते हैं, ये सेवन सीरी होटल है बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। जब ईटानगर तरफ जाता ना एक दूसरा जगह रुकता है वो मज़ा ही नहीं है, ठीक है रोइंग तरफ जाने से ना पहले बस उतर समय यहाँ रुकता था, आजकल बोलबो ना यहाँ पे नहीं रुकता सब कहा गया था। सो हम लोग लॉन्ग सफ़र के बाद ईटानगर पहुँच गए हैं। लुक एट माई फादर ही इज़ लुकिंग हैंडसम। तो हम लोग बहुत सफ़र किया लॉन्ग सफ़र, इसके बाद हम लोग फाइनली अपना फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच ही गया है। तो अब मैं दीदी का दुकान डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना पापा को भी लेके चला जाए क्योंकि घर में बोरिंग हो रहा है, ऑब्वियसली बोरिंग हो गया तो फर्स्ट दिन है देखते जाओ, जब मैं कॉलेज चला जाऊँगी अकेला मक्खी मार के बैठेंगे तो दुख यार। तो अभी मैं दीदी के दुकान जाऊंगी और मैं अपना रूम से साइकिल भी लेके आऊंगी क्योंकि मैं कुछ दिन बाबा के साथ है मामा का घर बैठने वाली हूँ। मैं रेन बहुत छोटे हैं तो वहाँ पे एडजस्टमेंट अरेंज आता है रेन का की चेक मैं रेन की रेन का चाबी भूल जाने तो खुद तो मम्मी अले 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 ओह मिल गया फाइनली। तो रेन का की मिलता तो हम सोच रहे हैं ना ये ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करेंगे तो नेक्स्ट बाबा के साथ अनादा ब्लॉग बनेंगे, तो ये रोइंग ईटानगर का ब्लॉग फिर ईटानगर पे ख़त्म होंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।